शादी मुबारक के आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि केटी वहीं होता है, वो प्रीति को देख लेता है और वो प्रीति के पास आने की कोशिश करता है, बट प्रीति आगे निकल जाती है चंदा के पास, क्योंकि इससे चंदा से बात करनी होती है और यह सोचती है कि चंदा काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि वो चंदा को आइडियाज़ नहीं मिल रहे होते हैं उसके स्टाफ वालों से, तो वो काफ़ी गुस्से में होती है और सब पे चिल्ला रही होती है। और तभी प्रीति सोचती है कि ये इतनी गुस्से में, मैं बात कैसे करूँ इससे। फिर प्रीति उसकी बातें सुनती है और उसके बाद प्रीति चंदा के पास जाती है। फिर वह चंदा से कहती है कि मुझे 2 मिनट आपसे बात करनी है, तो फिर चंदा चिल्ला के बोलती है कि क्या है, क्या बात करनी है। तभी प्रीति कहती है कि मैंने सुना कि आपको वेडिंग प्लानर के आइडियाज़ चाहिए, तो फिर वह बोलती है कि हाँ चाहिए, तो फिर बोलती है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो फिर चंदा कहती है कि चलो बता दो क्या है। फिर प्रीति कहती है कि उदयपुर झीलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत झीलें हैं, और एक झील में वेडिंग प्लान करें तो कैसा रहेगा, पूरा मीन्स की बोट में होगी शादी वगैरह और रिश्तेदार बोट में होंगे और पूरे झील को दिए से सजा देंगे तो कितना अच्छा लगेगा, और ये अब तक की सबसे डिफरेंट शादी होगी। प्रीति की यह बातें सुनकर चंदा को यह आइडिया पसंद आ जाता है और वह इसके लिए मान जाती है, और वह पूछती है कि पहले तुमने कहाँ काम किया है, तो वह प्रीति कहती है कि मैं जॉब ढूंढ ही रही हूँ। तो चंदा कहती है कि ठीक है, तुम्हारी जॉब समझो मिल गई तुम्हें और जॉब पक्की। चंदा अपने स्टाफ की लड़कियों से कहती है कि इनकी डिटेल्स ले लो और इन्हें जॉब पे रख लो। तभी उनके स्टाफ की लड़कियां बातें करती है आपस में और वह कहती है कि ये तो रति की सास है जिसने चंदा मैम की रिंग चुराई थी। और फिर वह चंदा से कह देती है कि ये तो वही है जिसने आपकी रिंग चुराई थी। और फिर चंदा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है प्रीति पर और वह प्रीति पर चिल्लाने लगती है और उसकी फाइल भी फेंक देती है, और वह कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की, तुम में शर्म वरम है या नहीं, ऐसा खरी खोटी सुनाती है चंदा प्रीति को। केटी ये सब देख रहा होता है। फिर प्रीति कहती है कि मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की है, मैं चोर नहीं हूँ। और इतना कहकर प्रीति वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। फिर वह उसकी बेटी की बातें याद करके रोने लगती है और रोते रोते चलती है, और तभी पीछे केटी आता है। फिर केटी प्रीति को रुमाल देता है और फिर प्रीति केटी को देखती है, तो केटी कहता है कि मैंने बातें सुनी है आपकी, ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी उसे, आप चोरी नहीं कर सकती हैं। और फिर वह कहता है कि मैं जानता हूँ उस औरत को, उसके मन में जो भी आता है वो बोल देती है, पर मैं आपको भी जानता हूँ, आप चोरी नहीं कर सकती। तो प्रीति कहती है कि आप मुझे नहीं जानते। फिर केटी कहता है कि मेरा मतलब है कि मैंने आपको जितना भी जाना है उतने में तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप चोरी नहीं कर सकती हैं। फिर केटी कहता है कि मुझे ज़िंदगी ने लोगों को पहचानना तो सिखा ही दिया है। फिर केटी कहता है कि आपने उस दिन सुसाइड करने की कोशिश की थी, किसी के भी बातों को दिल से मत लगाया करो आप। फिर वह कहता है कि छोटी मोटी बातें तो घर घर में होती रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सुसाइड करने चले जाओ। केटी कहता है कि मैंने उस दिन आपसे, आपकी बहू से बात की थी, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। और फिर प्रीति कहती है कि मैं सुसाइड नहीं कर रही थी। फिर केटी कहता है इस उम्र में आप जॉब ढूंढ रही हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मेरी माँ एक NGO चलाती हैं। प्रीति कहती है कि बस करिए। तब फिर केटी कहता है कि इस उम्र में योगा करना चाहिए, योगा मैं भी करता हूँ कभी कभी, इससे तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। फिर प्रीति चिल्लाती है केटी पर और वह कहती है कि तुम क्या जानते हो मेरे बारे में, क्या प्रॉब्लम है। फिर प्रीति कहती है कि क्या बेचारी बेचारी लगा रखा है, बेचारी मैं नहीं, बेचारी आपकी सोच है। इस उम्र में काम ढूंढना साहस की बात होती है, अपने लिए इज्जत कमाना साहस की बात होती है, आप क्या समझेंगे ये सारी बातें। और ये सब प्रीति केटी को बोलती है, दीवान से निकल जाती है और केटी सोचता रह जाता है कि ये बोली क्या, मैंने क्या गलत बोल दिया इससे। फिर वहाँ केटी की माँ आ जाती है और केटी भी चला जाता है। और फिर प्रीति अपने घर जाती है और वहाँ पर उसके फुआ और फूफा जी आए हुए होते हैं। फिर प्रीति की बुआ सास कहती है कि तू पूरा घर संभालती है, सबको इतना मान सम्मान देती है, फिर तूने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, इतनी सा ये बातें क्यों छुपाई तुमने हमसे। और वह कहती है कि बेटे का घर छोड़कर बेटी के घर में रहने आ गई है, बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पिया जाता है और तू यहाँ पर रहने चली आई। फिर जूही कहती है कि बुआ आपको पता नहीं है अभी
सब कुछ कि क्या हुआ है, आपको तरुण ने कुछ बताया नहीं होगा। फिर बुआ सास बोलती है कि झगड़ा तो छोटा मोटा चलता रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के ही चले आए, वापस चलो उस घर में, वापस वहीं रहो अपने बेटे के घर पे। जूही कहती है कि माँ वहाँ नहीं जाएगी। फिर रति प्रीति को मनाने के लिए ड्रामा करती है और वह माफ़ी मांगने का भी ड्रामा करती है और वापस घर आने के लिए बोलती है। फिर बुआ सास प्रीति को हाथ पकड़ के ले जाने लगती है और तभी पीछे से कुसुम आवाज़ लगा देती है और वह कहती है कि सुनो जी, वह कहती है कि मैं कुछ बोलने की इजाज़त चाहती हूँ, आप लोग मेरे घर में ही है तो इतना हक तो बनता है मेरा कि मैं आपको कुछ बोल सकूँ। फिर कुसुम कहती है कि आप बड़े हैं, आप घर का भला ही चाहेंगे, आप लोग जो बोल रहे हैं वो सही है। प्रीतिक को कायदे से अपने घर पे ही रहना चाहिए, अपने बेटे के घर जाना चाहिए, उनके साथ ही रहना चाहिए। कुसुम कहती है कि वो इसके बेटे का घर है, ये भी चाहेगी कि उसको इज्जत मिले, अपनापन लगे। फिर रति कहती है कि हाँ आंटी जी, आपने बिल्कुल सही बोला, पूरी इज्जत मिलेगी इन्हें, अपनापन मिलेगा, ये तो हमारा प्रॉमिस है। तभी कुसुम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने। फिर कुसुम कहती है कि तुम तो ठीक हो, लेकिन ये तरुण की सारी गलती है, इसने अपनी माँ की बहुत बेइज्जती की है, बहुत दिल दुखाया है, ऐसा कोई करता है क्या? फिर वह कहती है कि अब तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ, दे सकती हूँ क्या? तो बुआ सास कहती है कि हाँ बोलो। तो वह कहती है कि तुम एक काम करो, अपने नए घर में प्रीति को भी हिस्सेदार बना लो, उसका भी नाम लिखा दो। कहती है घर के कागज़ ले आओ और उस पर प्रीति का भी नाम लिखा दो। कुसुम की बातें सुनकर रति और तरुण शॉक्ड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही दिखाया गया है। कल के लिए दिखाया गया है कि केटी प्रीति के पास जाता है और वह उससे कहता है कि कल आपने जो भी बोला उसके बारे में मैंने रात भर सोचा है, और वह कहता है कि आप मेरी पार्टनर बनेंगे क्या? तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का एपिसोड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।